नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। हम की जिम्मेदारी अब जतिन राम मांझी ने अपने बेटे संतोष सुमन मांझी को सौंप दी है। बता दें कि अब हम के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन मांझी होंगे। इस बात का ऐलान खुद जतिन राम मांझी की तरफ से किया गया है, तो बड़ा बदलाव है हम पार्टी में। जहां एक तरफ पहले जतिन राम मांझी तमाम जो पार्टी को लेकर फैसले होते थे वो लेते थे, तो वहीं अब उनके बेटे संतोष सुमन जो है उन्हें ये बागडोर सौंप दी गई है, जिम्मेदारी सौंप दी गई है। खासकर अगर हम बात करें तो जतिन राम मांझी ने हमेशा से ही ये कहा है कि जरूरत है कि बिहार में युवा जो होते हैं वो आगे आए, बागडोर संभाले, क्योंकि आज बिहार की जनता को भी यही चाहिए कि जो जिम्मेदारी है वो किसी युवा चेहरे को दी जाए, ताकि जनता भी उनके सपोर्ट में आ सके। और आखिरकार जो अंतिम फैसला जो है वो जतिन राम मांझी की तरफ से लिया गया, जिसमें उन्होंने अपने बेटे संतोष सुमन को हम की जो जिम्मेदारी है वो सौंप दी है। ऐसे में ये जिम्मेदारी दिए जाने के बाद क्या कुछ कहना है जतिन राम मांझी का, किस तरह से उन्होंने अपनी बातें सामने रखी है, पार्टी को आगे लेकर जाने को लेकर क्या कुछ कहा है जतिन राम मांझी ने, ये आपको सुनवाते हैं। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि ये बड़ा फैसला जतिन राम मांझी की तरफ से लिया गया, जिसमें उन्होंने ये भी बताया है कि वो हमेशा ही पार्टी की जो संरक्षण है वो करेंगे, लेकिन जो फैसले हैं वो संतोष सुमन मांझी ही लेंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी, ये बागडोर अब जतिन राम मांझी ने अपने बेटे के कंधे पर सौंप दी है। क्या कुछ कहना है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जतिन राम मांझी का, छोड़ जाते हैं आपको उस पूरे बयान के साथ। संतोष मांझी को आपने अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया सर, संतोष मांझी जी को आपने अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया, क्या कहेंगे? देखिए, आज से 4 महीना पहले दिल्ली में हम लोगों की राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई थी, उसी बैठक में तय हुआ था कि संतोष मांझी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है और एक पार्टी का मुख्य संरक्षक पद क्रिएट हुआ था, उस मुख्य संरक्षक पद पर जतिन मांझी रहेंगे। आज उसी की घोषणा हम लोग ने की। भाजपा का NDA का सदस्य था मुसाफिर पासवान जी, और जाहिरतन उनके बेटा को उनको टिकट देना चाहिए था और उन्होंने न दे करके एक नया एक्सपेरिमेंट किया, तो हम लोग पहले से भी समझ रहे थे कि रिजल्ट यही होना था और इससे भाजपा को सीख लेना चाहिए। बनता कि सर यहाँ से एक नई शुरुआत है, NDA को बड़ा झटका है? नहीं, NDA को कोई झटका नहीं है, NDA स्टेबल है, NDA को बहुमत है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। भाजपा से गलती हुई? निश्चित गलती हुई है, टिकट देने में गलती हुई है। संतोष मांझी को आपने अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया सर, संतोष मांझी जी को आपने अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया, क्या कहेंगे? देखिए, आज से 4 महीना पहले दिल्ली में हम लोगों की राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई थी, उसी बैठक में तय हुआ था कि संतोष मांझी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है और एक पार्टी का मुख्य संरक्षक पद क्रिएट हुआ था, उस मुख्य संरक्षक पद पर जतिन मांझी रहेंगे। आज उसी की घोषणा हम लोग ने की।